सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई आज की वीडियो में देखो कौन सी बाइक खड़ी है अपने पास। मोस्ट ट्रेंडिंग बाइक, इतनी ज़्यादा डिमांड आई थी इस बाइक के ऊपर। तो फाइनली भाई पुणे के बाद यहाँ पे लॉन्च हो गई है, और भी एक आधे स्टेट में लॉन्च हो गई है, बट फाइनली दिल्ली के अंदर ये बाइक लॉन्च हो गई है। आज है 3 जुलाई और आज हम करने वाले हैं इस बाइक का एक प्रॉपर ओवरव्यू। तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब पहले से कर दो, एंड भाई मज़ेदार ऐसे कंटेंट देखने के लिए बेल आइकन को ऑन कर देना। मिलेंगे आपसे आगे, एंड इसकी स्पेसिफिकेशन बताएंगे वन बाय वन कि क्या कंपनी ने क्या स्पेक्स दिए हैं, क्या चीज़ें दी हैं, सब चीज़ डिटेल में बताएंगे। तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब फटाफट से कर दो, एंड सबसे पहले करते हैं इंजन स्पेक्स। कि भाई जितने बंदे 200 लवर है ना, जिनको 200 से अपग्रेड करना है कि हाँ भाई 200 सीसी मुझे 400 सीसी पे जाना है, तो ये वाली बाइक उनके लिए है। बाइक का नाम क्या होने वाला है? पल्सर की NS400Z। तो भाई ये 400 सीसी इंजन आप नहीं सोचो, इसका नाम 400 है। इसका जो इंजन आपको मिलेगा वो 373 सीसी का आपको इंजन मिलेगा, और जो आपको 43 HP की पावर एंड 35 Nm ऑफ टॉर्क जो आपको प्रोवाइड करेगी, तो काफ़ी अच्छा है। बाकी वगैरह चला के देखेंगे हम चलाने के बाद क्या फीडबैक निकलता है बाइक का, कि कितनी पावर जनरेट कर रही है एक्चुअल में, क्या पिकअप है, क्या थ्रीलेस बाइक का, ठीक है। बाकी अगर मैं इंजन की बात करूँ तो उसके अंदर 6 स्पीड का आपको गियर बॉक्स मिलने वाला है, काफ़ी बढ़िया है। ऑयल्ड कूल आपको इंजन मिलता है इसके अंदर, ठीक है। बाकी भाई इसके अंदर फीचर की बात करूँ तो भाई कंपनी ने इसके अंदर फीचर भर भर के डाल रखे हैं। मैं बोलूँगा बहुत सारे फीचर्स हैं इसके अंदर। 10x9 नेविगेशन सिस्टम इसके अंदर आपको मिलता है, ठीक है। राइड बाय वायर का सिस्टम आपको मिलता है, आपको नहीं पता होगा तो जिन मतलब वायरलेस यहाँ पे जो वायर होती है ना, तो वायर यहाँ पे नहीं है, सेंसर बेस्ड ये आपका एक्सीलेटर होता है, तो उसको बोलते हैं राइड बाय वायर। तो एक तरीके से ये इसलिए लॉन्च मतलब डाल देते हैं जिससे बाइक टॉप एंड अच्छा अचीव करे। 400 सीसी इंजन है, तो 400 सीसी इंजन को टॉप एंड में अच्छा ले जाने के लिए यहाँ पे राइड बाय वायर का यूज़ कर रखा है। बाकी फ्रंट लुक देखो भाई, मेरा सबसे पसंदीदा भाई फ्रंट लुक इसका लग रहा है। फ्रंट लुक मतलब इतना DRL भाई, इतना आप डे नाइट में देखोगे ना इसको, दिन में इतनी ज़्यादा ब्राइट है, इतनी ज़्यादा ब्राइट है कि भाई क्या ही पूछो। बाकी भाई प्रोजेक्टर का थ्रो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैं जितने मैंने रिव्यूज़ वगैरह देखे हैं, मतलब जितने बंदों के पास देख लिया, तो प्रोजेक्टर का थ्रो बाकी सारे बंदे बोल रहे हैं कि काफ़ी बढ़िया इसका, मतलब आपको राइट में ऑक्सिल लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। फीचर्स की बात कर लूँ तो भाई कंपनी ने देखो क्या फ़ीचर्स वगैरह दिखाए हैं इसके अंदर। LED आता है आपको, आपका जो नॉर्मल NS का आपको निडल वाला सिस्टम है वो उसके अंदर हटा दिया है। बाकी फीचर्स क्या क्या मिलते हैं इसके अंदर, को 4 मोड देते हैं। मोड्स वगैरह की बात करूँ तो 4 मोड इसके अंदर मिलेंगे आपको। पहला आपको मिलेगा रेन मोड, आपको मिलेगा रोड मोड, आपको मिलेगा ऑफ रोड मोड, ठीक है, एंड आपको मिलेगा स्पोर्ट्स मोड। तो 4 मोड आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। TCC इसके अंदर बाइक के अंदर है, AVC इसके अंदर है, एंड जो आपका TCS वगैरह है वो आप इसको आप मतलब चेंज कर सकते हो, ऑफ़ कर सकते हो, क्या इस रेन मोड के अंदर वो ऑफ़ हो जाता है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी पर्सनली अच्छी लगी। टायर साइज़ की अगर बात करूँ तो पीछे का आपको 150 सेक्शन का टायर मिलेगा, ना का आगे का आपको 110 सेक्शन का टायर मिलने वाला है जो कि रेडियल है। तो भाई ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, टायर वो काफ़ी मतलब 110 सेक्शन का देखने में लग नहीं था, लेकिन रेडियल की वजह से ऐसा लग रहा कि हाँ काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड टायर है। बाकी देखा जाए काफ़ी मतलब नीट एंड फिनिशिंग वगैरह में काम कर रखा है। देखो जैसे विंगलेट्स वगैरह होते हैं ना, तो विंगलेट्स वगैरह पे यहाँ पे काम कर रखा है जो अच्छा एक डिज़ाइन का लुक दे रहा है। एंड पीछे की अगर बात करूँ तो देखो यहाँ पे भी काफ़ी एक अच्छा सा डिज़ाइन देने की कोशिश कर रखी है। आगे का आपको यहाँ पे अप एंड डाउन सस्पेंशन मिल जाएंगे इसका, तो थिकनेस भी काफ़ी बढ़िया है, देखो काफ़ी बढ़िया है। आगे की अगर डिस्पैड की बात करूँ तो आपको 320 mm की आपको डिस्पैड यहाँ पे मिल जाएगी। ब्रेक वो आप मत सोचो कि ड्यूक वगैरह की तरह आपको ब्रेकिंग मिलेगी, लेकिन इसकी भी बाइट काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। अगर पीछे की रियर की ब्रेक बोलूँ तो 230 mm की आई थिंक डिस्पैड है, तो आप सोच सकते हो कि काफ़ी अच्छी आपको बाइट मिलने वाली है रियर ब्रेक एंड फ्रंट ब्रेक। पीछे के सस्पेंशन बात करूँ तो पीछे के सस्पेंशन आपके 6 स्टेप एडजस्टेबल है, तो आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे बढ़िया चीज़ पता क्या मुझे इस बाइक की लगी, मैं इस बाइक के अभी बैठा हूँ, मैंने चलाई भी नहीं है, इसका सस्पेंशन भाई काफ़ी स्मूथ है। देखो ये देखो काफ़ी पीछे के सस्पेंशन भाई काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लग रहे हैं, मतलब कह रहा हूँ गड्ढों में जैसे इसके अंदर रोड मोड ऑफ रोड मोड लगा रखा है ना, तो काफ़ी भाई आपको ऑफ रोड के लिए अगर आप जाओगे तो मज़ा आने वाला है। बाकी अभी जाएंगे तो देखेंगे कि क्या एक्सपीरियंस मिलने वाला है इसका सस्पेंशन का, जब हम चलाएंगे जब देखते हैं। बाकी एक बार आपको मीटर कंसोल दिखा देता हूँ आगे से आपको, तो ये कुछ आपको मीटर कंसोल मिलने वाला है। फ्रंट लुक आपको ये मिलने वाला है, तो भाई मतलब एक नंबर की लुक लग रही है। हैजार्ड इसके अंदर आता है, आप चारों इंडिकेटर एक साथ जला सकते हैं। बाकी नॉर्मल फीचर्स मैंने बताई दिए आपको, साइड स्टैंड कट ऑफ मिलता है, ये नॉर्मल गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर तो नॉर्मल चीज़ होती हैं, वो सब इसके अंदर मिलेगा। इंजन ऑफ देखो, इंजन की वार्निंग यहाँ पे आ रही है, इंजन ऑफ। बाकी एक नंबर का मुझे मीटर लग रहा है, यहाँ पे USB सॉकेट आपको मिल जाता है, तो ये भी काफ़ी अच्छा चीज़ है। भाई मुझे मिरर देखो भाई, कॉस्ट कटिंग में भाई कुछ कमी नहीं कर रखी, मस्त इन्होंने हैंडल मतलब मिरर्स वगैरह भी इंस्टॉल कर रखे हैं, दिखने में भाई काफ़ी ज़्यादा। मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ एक बारी, ये
मतलब लुक ही भाई इस बाइक की गजब, बिल्कुल एक नंबर की लुक आ रही है इस बाइक की। और ये आपको कुछ इस तरीके का मीटर आपको आगे का लुक इस तरीके का आपको मिलेगा। अगर फ्यूल टैंक की बात करूँ तो फ्यूल टैंक आपको यहाँ पर मिल जाता है 12 लीटर का, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इस 12 लीटर के अंदर जो कंपनी माइलेज क्लेम करती है वो माइलेज क्लेम करती है आपकी 35-30 के आसपास आप एक्सपेक्ट कर लो। 400 cc आपको इंजन मिलेगा तो आप इतनी आप माइलेज एक्सपेक्ट करो कि हाँ 35-30 की माइलेज तो देगी ही देगी। बाकी डिपेंड करता है आपके चलाने के ऊपर कि आप कैसे चला रहे हो, हार्ड ज़्यादा हार्श फास्ट चलाओगे आप तो और कम माइलेज ये कंपनी बाइक मतलब देगी। तो भाई देखो यही कुछ बाइक का ओवरव्यू था। बाइक एक्चुअल में बढ़िया लगी भाई मेरे को। अब इसको मैं फटाफट से एक टेस्ट ड्राइव लूँगा, राइड रिव्यू बनाऊँगा, राइड रिव्यू में और अच्छे से डिटेल में आपको बता पाऊँगा कि पावर क्या है। तो उसके लिए चैनल पे बने रहो, सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, बाकी इस वीडियो को कर दो लाइक, बढ़िया से कमेंट कर दें। एंड वीडियो को एंड करते हैं भाई प्राइस से। तो प्राइस इस बाइक का भाई क्या होने वाला है, सबसे ज़्यादा मज़ेदार मैं कह रहा हूँ। ये बाइक कोई अगर परचेज करेगा तो वो इसके प्राइस से करेगा। एंड प्राइस क्या होने वाला है भाई मज़ेदार, 185। तो एक शोरूम प्राइस होने वाला है भाई 185 होने वाला है। आपको मिल जाएगी RTO मिला मिलो के आपका 2,10,000 के आसपास समझ आ रहा हूँ ये कॉस्ट करेगी, ठीक है। तो सबसे मैं कह रहा हूँ 400 cc इंजन मिल रहा है आपको एक शोरूम प्राइस 185 में, तो भाई और क्या ही लोगे। सबसे बेस्ट लगा मुझे पार्ट। अगर कोई परचेज करना चाहता है ना, आओ और इस बाइक को परचेज करो भाई। 4 कलर इसके अंदर मिलते हैं तो आप आओ। ये नियर बाय जो मैं शोरूम में खड़ा हूँ ये है बगलिंग, इसकी डिटेल सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है। अगर आपको डिटेल कुछ भी चीज़ चाहिए तो विजिट करो शोरूम में, इंक्वायरी करो एंड अपनी डील ग्रैब करो। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गाइस बाय बाय, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब फटाफट से करो।